पति पत्नी की बेड पर की समस्या या काम जीवन की समस्या, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार काम जीवन तज्ञ सम्मोहन तज्ञ और व्यसन मुक्त तज्ञ करके अकोला और मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि पति पत्नी में दिन भर में कुछ भी बातें झंझट हो जावे, मगर वो यदि बेड पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दिन भर की सभी झंझटे झगड़े सब बेड के ऊपर गायब हो जाते हैं। मगर बेड में यदि प्रॉब्लम है, बेड के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, बेड पर यदि वो बराबर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दिन भर की बातें तो और बड़ी हो जाती है। इसका मतलब फिर बेड के ऊपर एक दूसरे के उलट बाजू मुंह करके सो जाते हैं, 36 का आंकड़ा। अभी बेड पर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं पति पत्नी में या काम जीवन में जो प्रॉब्लम्स पति पत्नी में आते हैं, वो प्रॉब्लम्स शादी के पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ही कॉमन हो चुका है। शादी लेट हो रही है, जैसा शादी लड़कों की 36, 27, 28, 30, 32 साल, 35 साल तक शादी होती नहीं है, और उम्र में जब लड़का आता है, हार्मोनल चेंजेस जब अपने बॉडी में होते हैं और अंदर से जो काम जीवन की जो स्फूर्ति मिलती जाती है, काम के बारे में विचार आते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फिर चुप रहा नहीं जाता। और ऐसा लड़का पुरुष बनता है वो 13, 14, 15 साल के बाद में, तो फिर वो अलग अलग कामों में अलग अलग एरियाज में इंडल्ज करने लगता है, जैसा कि हाथ से वीर्य का स्खलन करना जिसे हस्तमैथुन बोलते हैं, या फिर उसके वजह से चिंता अपराध बोध निराश हताश होना कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर शादी के बाद प्रॉब्लम आना या बेड के ऊपर प्रॉब्लम आना, या ऐसा हो सकता है कि वो हाथ से वीर्य का स्खलन नहीं करता है और सपने में दोष होता है, सपने में धातु बाहर निकलता है और फिर उससे उसको अपराधीपन की भावना आती है, अपराध बोध की भावना होती है। अखबार में ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं कि बचपन में यदि आपने गलतियां की हो तो हमें मिले, और उनका मतलब ऐसा होता है, गलतियां मतलब कि भाई वीर्य का नाश किया, ब्रह्मचर्य यही जीवन और वीर्यनाश यही मृत्यु, ऐसा आयुर्वेदा में कहा गया है और ऐसी किताबें हैं। तो जब पति पत्नी की प्रॉब्लम्स बेड पर आती है तो पहला लाइट लगता है कि मैंने बचपन में क्या गलतियां की हुई है, क्या मैंने वीर्य का स्खलन किया हुआ है हाथ से, क्या पेशाब के समय मेरा वीर्य बाहर निकला हुआ है, या कहीं मैंने सपने में वीर्य खोया हुआ है। और जब ऐसी बातें दिमाग में आती है तो फिर पति पत्नी में अंतर हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जब परफॉर्म नहीं कर पाता है तो एक दिन परफॉर्म नहीं कर पाता, दिमाग में ऐसा लगता है लाइट कि अभी क्या होगा, क्या मैं पुरुष नहीं हूं, क्या मैं आदमी भी नहीं हूं, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, उसके मन में क्या आएगा, कैसा तभी करके वो टाइम पास कर लेगा और फिर कल का इंतजार करेगा कि कल रात को मेरा होगा कि नहीं होगा। रात भर में बराबर सोएगा नहीं, दिन भर में बराबर सोएगा नहीं, और दूसरे दिन भी दिमाग में बोल लेके बेड के ऊपर जाएगा कि मेरा आज परफॉर्मेंस ठीक होगा या नहीं होगा। और फिर जब ऐसा प्रेशर दिमाग में रहता है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस होता नहीं है। जब बेड का परफॉर्मेंस ठीक होता नहीं है और हमारे पास में काफी सारे लोग आते रहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते रहते हैं, काम जीवन की समस्या के बारे में बोलते रहते हैं, किसको ऐसा लगता है कि मेरा प्राइवेट पार्ट जो है वो छोटा है, प्राइवेट ऑर्गन जो है वो छोटा है, किसको लगता है कि मेरा जितना वो कठोर होना चाहिए उतना वो कठोर नहीं है, किसका ऐसा होता है कि पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है या स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, और फिर उसके बारे में वो दिमाग में रखते हुए उसको एक अपराधीपन की भावना आती है, या फिर पुरुष का पुरुष के तरफ आकर्षण है और उसका स्त्री के तरफ आकर्षण नहीं हो रहा है तो उसका वैसा भी काम जीवन ठीक नहीं हो रहा है, शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन है वो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय फिर वो दोष देता है कि क्या मैं दूसरे पुरुष के तरफ या दूसरे लड़के के तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, इसके वजह से मेरा नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम लेके लोग हमारे पास में आते रहते हैं। ज्यादातर काम जीवन की जो समस्या है, पति पत्नी की जो समस्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जो समस्या है, वो समस्या ज्यादातर मानसिक होती है, मतलब उसका कारण मानसिक होता है। शारीरिक कारण के मतलब शारीरिक कारण से पति पत्नी की बेड की समस्या ज्यादातर होती नहीं है। और मैं आपको पक्का बताता हूं कि यदि 35 साल के कम उम्र में यदि ये प्रॉब्लम आता है, समझ जाना कि ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, और उसका कारण, उसका जड़ जो है मानसिक है, वो ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या टेंशन है, एंग्जाइटी है परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर कोई मानसिक बीमारी है,
या कोई दवाइयां खा रहा है वो, जिसके जिसका साइड इफेक्ट जो है कि जिसकी वजह से वो बेड के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि बेड का परफॉर्मेंस करने के लिए प्राइवेट ऑर्गन में कठोरता आती है मगर स्खलन जो है वो जल्दी हो जाता है। अब वो समझो यदि जल्दी होता है तो ना पुरुष को समाधान होता है ना स्त्री को समाधान होता है, और फिर जब समाधान होता नहीं है फिर दोनों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। जब स्त्री को ऐसा लगता है कि भाई ये सिर्फ उसका स्खलन होने तक ही इंटरेस्ट रखता है और मेरा तो कोई समाधान हुआ ही नहीं है, तो उसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जल्दी स्खलन हो जाना उसको बोलते हैं कि जब काम जीवन में या जब आपका परफॉर्मेंस हो रहा है उसमें दोनों भी खुश होना चाहिए, दोनों का समाधान होना चाहिए, और दोनों में से एक का भी समाधान नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि वो जो स्खलन हो रहा है वो जल्दी हो रहा है या शीघ्र हो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है और वो एक हैबिट हो सकती है। मतलब शादी के पहले भी यदि जब हाथ से घर्षण करके वीर्य का स्खलन करने की एक आपको हैबिट बोलो या एक हस्तमैथुन की प्रक्रिया आप करते रहते हैं, तो उसमें यदि जल्दी जल्दी कर लिया तो शादी के पहले से ही क्योंकि आप जल्दी कर रहे हो हाथ से और जल्दी स्खलन हो रहा है तो एक हैबिट बन जाती है जल्दी निकलने की, और वो जल्दी निकलने की हैबिट जो है फिर शादी के बाद में भी वही कंटिन्यू रहती है। अब ये सभी के लिए, मतलब प्राइवेट ऑर्गन में कठोरता नहीं आना या शीघ्र पतन या जल्दी स्खलन हो जाना, ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, संघर्ष हो सकता है। उसके लिए हम साइकोथेरेपी मानसोपचार देते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें कोई कुदरती उपाय है कि जिसके वजह से जल्दी स्खलन हम रोक सकते हैं, कोई मेडिसिन है कि जिसकी वजह से प्राइवेट ऑर्गन में कठोरता जल्दी आ सकती है या जल्दी गिरना हम रोक सकते हैं, तो मेडिसिन है। फिर पति पत्नी के आपसी संबंध जो है, आपसी रिश्ते, उसके बारे में हम काउंसलिंग करते हैं, यदि जल्दी गिरता है तो उसके लिए मेडिसिन है, उसके लिए कोई कुदरती उपाय है। हम सम्मोहन उपचार उसमें उनको करने के लिए, मतलब स्व सम्मोहन करने के लिए बोलते हैं, सम्मोहन उपचार से भी ठीक हो जाता है। या फिर सिर्फ जो चिंता या नर्वसनेस या डिप्रेशन है उसके बारे में उसको एक एश्योरेंस भी दे दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो ठीक हो जाता है। जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखा देता है कि उनके प्राइवेट ऑर्गन में कठोरता नहीं आती है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती है, उसके वजह से भी पति पत्नी के संबंध में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि भाई कोई मेडिसिन चालू है क्या, कोई दवाइयाँ चालू है क्या, और कोई दवाइयाँ यदि है तो फिर वो भी बदलना पड़ता है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसी कोई समस्या आ रही है तो एक तो आपके मन में कोई ऐसे गलत फहमियाँ हैं तो गलत फहमियाँ दूर करना हमारा काम है, तो हम वो करते हैं। गलत फहमियों में से क्या है कि मैंने हाथ से निकाला, मेरी ताकत निकल गई, मेरा जल्दी हो जाता है, मैंने बहुत गलतियाँ किया, मैंने बहुत नाश किया हुआ है और इसलिए मुझे बहुत कमजोरी आ चुकी है, या सपने में मेरा बह रहा है और उसकी वजह से मैं कमज़ोर हुआ हूँ, या पेशाब या लेटरिन करने के समय मेरा जा रहा है, स्खलन हो रहा है, इसकी वजह से मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। पहली रात जो रहती है शादी के बाद उसमें खून आना चाहिए या उसमें दर्द होना चाहिए, उसमें चिल्लाना चाहिए, ये ज़रूरी है, और वो नहीं हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई गलत फहमियाँ हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी गलत फहमियाँ जो है वो हम दूर करते हैं। मेन जो है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर वो कैसे तैयार किए जाए, तो काउंसलिंग के माध्यम से या दवाई के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। वैक्यूम पंप, फिर कोई ऐसे अलग अलग स्टिम्युलेटर्स वो भी काम करते हैं, और वो यदि काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ इंजेक्शन से, इंजेक्शन पेपेवरिन जैसे इंजेक्शन है कि जो इंजेक्शन देके कठोरता आ सकती है, तो इसमें डरने का कोई कारण नहीं है, लोग इसके बारे में बातचीत नहीं करते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी शादीशुदा लोगों में, शादीशुदा नहीं है तभी भी लोगों को प्रॉब्लम तो है ही, तो उनमें सभी लोगों में वीडियो शेयर करो ताकि गलत फहमियाँ जो लोगों की है वो दूर होके लोग अपना काम जीवन जो है उसमें बहुत आनंद पा सकेंगे, अपना वैवाहिक जीवन बहुत खुश कर सकेंगे, पति पत्नी में संघर्ष कम हो जाएगा और एक बहुत खुशहाल जीवन लोग जियेंगे। थैंक यू वेरी मच।